Hello and welcome to Anuj Garg Coaching. Myself Anuj Garg and I'm the founder of Anuj Garg Coaching and Take Off India. दोस्तों, आज इस लेक्चर के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आपको एक यूपीएससी के एस्पिरेंट को मिडाइवल हिस्ट्री को अप्रोच करना चाहिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास को किस प्रकार की रणनीति से आपको पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, अभी जो यूपीएससी का मेंस और ऑप्शनल का एग्जाम हुआ था वो किस प्रकार से था, उसका विश्लेषण क्या रहा, उसकी करेक्ट अप्रोच क्या है, किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना आवश्यक है, ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी पूरी टीम बड़ा गर्व और उत्साहित महसूस कर रही है। हमने जितने भी टॉपिक्स और जितने भी प्रश्नों को अपनी लाइव क्लासेस में, अपने ऑनलाइन कोर्स में सॉल्व करवाया था, उन सभी प्रश्नों में से अधिकतर प्रश्न यूपीएससी की ऑप्शनल और मुख्य परीक्षा में, मिडाइवल हिस्ट्री में भी हमको देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि अनेकों अनेक प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री के हमारी वीडियोस पे पूछे गए थे, तो मिडिवल हिस्ट्री की यदि हम बात करते हैं, एक एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और इस वीडियो के अंत तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और बहुत सारे टॉपिक्स तो इस वीडियो के माध्यम से ही मैं सॉल्व करवा दूंगा, भले वो वन की थ्योरी ऑफ किंगशिप हो और ब्लड एंड आयरन पॉलिसी हो जो कि इस बार यूपीएससी का क्वेश्चन था, भले ही वो दिल्ली सल्तनत एक थियोक्रेटिक धर्मतंत्र था या मिलिट्री स्टेट था, सेना शासन था, ये समझने की कोशिश करेंगे, भले ही मोहम्मद बिन तुगलक की जितनी पॉलिसीज थी उनको समझने की कोशिश करेंगे, दिल्ली सल्तनत का पूरा स्ट्रक्चर क्या था उसको समझने की कोशिश करेंगे, दिल्ली सल्तनत में क्या विघटनकारी तत्व शुरू से ही मौजूद थे इसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे, विजयनगर साम्राज्य जिसके प्रश्न इस बार ऑप्शनल परीक्षा में पूछा गया था उस विजयनगर साम्राज्य को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक एक टॉपिक लेते हैं, साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बताता चलूंगा और आपको एक अच्छी अमाउंट ऑफ नॉलेज हो जाएगी इस लेक्चर के बाद कि किस प्रकार आपको मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ना चाहिए जिससे आपका बहुत समय बचेगा। परफेक्ट और राइट स्ट्रेटेजी के साथ किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से बड़े फायदे होते हैं। पहली बात तो आपका टाइम बचता है, दूसरा बात आपको थोड़ा हेडेक कम रहता है, जब आपको टॉपिक्स पहले से ही पता होते हैं आप तैयारी उसी गाइडेंस में अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फैंटास्टिक सेशन फॉर टुडे। दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास की, मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए इसकी शुरुआत लगभग 7th-8th सेंचुरी से मानी जाती है। अरबी आक्रमण जब भारत में होता है वहीं से इसकी शुरुआत हम मानते हैं, द अरब इन्वेजन इन इंडिया। यदि हम बात करें कि अरब इन्वेजन से भारत में क्या क्या प्रभाव रहे या अरब इन्वेजन से यूपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैं आपको एक मुख्य चीज ये बताना चाहूंगा, यूपीएससी का मिडाइवल हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में एक बहुत रिपीट होने वाला पैटर्न रहा है। यूपीएससी अधिकतर बार मिडाइवल हिस्ट्री के सेक्शन से मेंस और ऑप्शनल की परीक्षा, मुख्य और वैकल्पिक विषय की परीक्षा में अधिकतर बार जितने भी फॉरेन ट्रेवलर्स के अकाउंट्स रहे उनके बारे में पूछता है। जैसे यूपीएससी की 2017 की ऑप्शनल परीक्षा में हिस्ट्री के वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र में जो कि अभी घटित हुआ था उसमें यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में जितने भी विदेशी यात्री हैं उन्होंने क्या विवरण किया है इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो विजयनगर साम्राज्य में भले वो निकोलो कोंटी हो, भले वो फरिश्ता हो, अब्दुल रजाक हो, डोमिंगो पायस हो, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्या कहा, फॉरेन ट्रेवलर्स ने क्या अकाउंट दिया, विदेशी यात्रियों ने क्या विवरण किया, यह 2017 की ऑप्शनल परीक्षा में पूछा गया था। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी फॉरेन ट्रेवलर्स हैं उनकी आई से मिडाइवल हिस्ट्री को देखना, उनकी आंखों से मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखना। अरब इन्वेजन की जब हम बात करते हैं, अरबी इन्वेजन की जब हम बात करते हैं तो यहां से जुड़ा एक मुख्य प्रश्न आ सकता है कि अलबरूनी के भारत विवरण के बारे में समझाइए।
समझ में आ रहा है आपको? ये एक मुख्य प्रश्न है जो अरबी आक्रमण से जुड़ा है और जो पूछा जा सकता है, पूछा गया है और पूछा जाएगा आने वाले समय में। तो भारत के मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है अरब इन्वेजन से। कई अरब आक्रमणकारी भारत में इन्वेड करते हैं जिसकी नींव मोहम्मद बिन कासिम रखते हैं। फिर भारत में तुर्किश इन्वेजन होता है, फिर दिल्ली सल्तनत पीरियड चलता है, विजयनगर साम्राज्य पीरियड चलता है और फिर मुगल पीरियड चलता है। इस प्रकार से हिस्ट्री रही। तो आपको यह समझना होगा कि यदि हम पूरे 7th सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक का पीरियड देखने की यदि कोशिश करते हैं, इनमें मेनली हमको अरब इन्वेजन देखने को मिलते हैं। और अरब इन्वेजन से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि क्या अकाउंट रहा विदेशी यात्रियों का, जिनमें स्पेसिफिकली अलबरूनी का पूछा जा सकता है। अरब इन्वेजन के भारत में क्या क्या प्रभाव रहे, क्या क्या परिवर्तन आए, इन सारी चीजों के बारे में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, जब हम मिडाइवल हिस्ट्री के, मतलब जब हम हिस्ट्री के किसी भी पार्ट से, एक बात ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री नेवर जस्ट हैपन्स, मतलब हिस्ट्री यूं ही नहीं हो जाती है। हिस्ट्री के पीछे, किसी भी युद्ध के पीछे, किसी भी इवेंट के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। हिस्ट्री में बहुत सारे तर्क होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। हमको उन तर्कों को और रीजंस को अच्छे से समझना होगा, तभी हम अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम देखने की कोशिश करें कि कोई भी हिस्ट्री के एक फेज से यदि हम दूसरे फेज में जाते हैं, जैसे हम एंशियंट हिस्ट्री के फेज से मिडाइवल हिस्ट्री में गए, मिडाइवल हिस्ट्री के फेज से मॉडर्न हिस्ट्री में गए, मॉडर्न हिस्ट्री के फेज से आफ्टर इंडिपेंडेंस में गए, और अभी हम करंट सिचुएशन की बात करें, तो जितने भी एक फेज से दूसरे फेज में जाने की जो भी प्रक्रिया होती है, उसके पीछे के बड़े कारण रहते हैं। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में अनेकों अनेक विदेशी आक्रमणकारियों के सफल होने के पीछे के भी बहुत सारे कारण थे। उस कारण में से सबसे प्रबल और मुख्य कारण था भारत में सामंतवाद, फ्यूडलिज्म का आना। इसके ऊपर हमने, आप मिडाइवल हिस्ट्री का हमारा एक लेक्चर देख सकते हैं जो कि पहले से ही अपलोडेड है, जिसमें हमने सामंतवाद के ऊपर बहुत गहन चर्चा की है। थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के अंदर मैं आपको एक मिनट में समझा देता हूं कि सामंतवाद फ्यूडलिज्म की पोजीशन क्या है और क्या सामंतवाद होता है। इससे जुड़ा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में 2 साल पहले फ्यूडलिज्म के ऊपर प्रश्न भी पूछा गया था और ऐसा प्रश्न था जिसमें कंसेप्चुअल नॉलेज यदि फ्यूडलिज्म की नहीं है, दिक्कत आएगी। तो सामंतवाद की प्रक्रिया यह है कि जितने भी राजा होते थे उनका साम्राज्य बड़ा विस्तृत होता था। यदि हमको साम्राज्य पे अच्छे से शासन करना है, अच्छे से प्रशासन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम यदि पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में नहीं ला पा रहे हैं, तो राजा क्या करते थे कि किसी भी व्यक्ति को दूर दराज के क्षेत्र में जाने के लिए या दूर दराज में जो क्षेत्र है उसको उसका स्वामी बना देते थे। मतलब ये राजा है, राजा ने किसी व्यक्ति विशेष को दूर दराज के क्षेत्र में भूमि दे दी और उसके बदले इस भूमि उपयोग करने वाले का, इस सामंत का यह काम होता था कि समय पड़ने पे वो राजा की मदद करे, युद्ध आने के समय वो राजा की मदद करे। ये जो फ्यूड सामंत होता था, ये अपनी एक सेना रखता था, मिलिट्री रखता था, और मिलिट्री की हेल्प करेगा ये राजा को, जिसके बदले उसको भूमि मिली है और भूमि के बदले वो उसको मिलिट्री हेल्प करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था को फ्यूडलिज्म सामंतवाद कहा जाता है। सामंतवाद मतलब है कि ट्रांसफर हो रहा है, यही थोड़ा सा हमको पावर देखने को मिल रहा है। हुआ क्या पूरे भारत के इतिहास में, या पूरे दिल्ली सल्तनत के इतिहास में, या मध्यकालीन भारत के इतिहास में, जब जब कोई भी स्ट्रॉन्ग राजा आया तो ये जितने भी क्षेत्रों के सामंत होते थे ये इस राजा के अंडर में काम करते थे, अपनी पूरी संप्रभुता सोवरेनिटी इसको सरेंडर कर देते थे। लेकिन जब भी कोई भी अयोग्य राजा, कमजोर राजा गद्दी पे बैठा,
इन सभी लोगों ने मना कर दिया कि हम आपके संप्रभुता नहीं अपनाएंगे, हम आपके अंडर में काम नहीं करेंगे, हम तो स्वतंत्र हैं और हम स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे। तो कई बार हमको ऐसे देखने को मिलता है कि जितने भी ये तत्व हैं, ये जो मजबूत तत्व हैं, ये कोई भी कमजोर राजा आता था तो स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देते थे, और जब स्वतंत्र ही अपने आप को घोषित करते थे तो जो पूरा का पूरा जो शासन है या जो पूरा का पूरा राजा का साम्राज्य, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट हो जाता था, छोटे छोटे पार्टों में उसका विखंडन हो जाता था। तो जिस समय भारत में तुर्किश इन्वेडर्स आते हैं, उस समय भारत के जो अनेकों अनेक साम्राज्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। गुजर प्रतियारास हो, चालुक्यास हो, राष्ट्रकूटास हो, भारत में तो 11वीं-12वीं शताब्दी में त्रिपक्षीय संघर्ष भी चला, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी चला, जिसके अंतर्गत भारत की तीन अलग अलग क्षेत्रों की मजबूत शक्तियां संघर्ष करती रहीं ताकि उनकी शक्ति में विस्तार हो जाए। तो ये आपको समझना है कि युद्ध कोई भी पक्ष जीते या कोई भी पक्ष हारे, नुकसान दोनों पक्षों का होता है। युद्ध कभी भी किसी समस्या का सोल्यूशन तो है नहीं। तो युद्ध कोई भी पक्ष जीते या कोई भी पक्ष हारे, नुकसान दोनों पक्षों का होता है। सेना दोनों की खत्म होती है, पैसा दोनों का खत्म होता है। तो जब भी हम देखते हैं कि कोई भी अयोग्य राजा आता था, स्वतंत्र घोषित कर देते थे अपने आप को, उसको संप्रभुता सरेंडर नहीं करते थे, इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे। अनेकों अनेक बार मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमको ऐसा देखने को मिलता है जब बाहरी तत्वों ने राजा के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। फ्यूडलिज्म का मतलब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि फ्यूडलिज्म के कारण ही तो मध्यकालीन भारत का हमको थोड़ा सा एंगल समझने में आसानी होती है। तो कुल मिला के जो अरब इन्वेजन है उससे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का प्रभाव रहा और किस प्रकार से चीजें घटित हुई। जो आपका मध्यकालीन इतिहास में सेकंड टॉपिक आता है वो आता है तुर्किश इन्वेजन इन इंडिया, मतलब भारत में तुर्की आक्रमण, भारत में तुर्किश आक्रमण के क्या क्या प्रभाव रहे, क्या क्या सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आए, किस प्रकार के कल्चरल परिवर्तन आए, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तुर्किश इन्वेजन इन इंडिया, तुर्किश इन्वेजन इन इंडिया में हमको ये देखने को मिलता है किस प्रकार से सबसे पहले जो तुर्किश इन्वेजन की नींव रखते हैं, तुर्किश इन्वेजन जब भारत में तुर्किश आक्रमण होता है तो उसकी नींव कौन रखता है, उसकी नींव भारत में महमूद ऑफ गजनी रखते हैं। तो महमूद ऑफ गजनी भारत पर आक्रमण करता है, अनेकों अनेक बार भारत पर आक्रमण करता है, और यहीं से भारत में तुर्किश इन्वेजन की नींव डली होती है तुर्किश साम्राज्य की। बाद में फिर मोहम्मद गोरी रहता है और उसके बाद में फिर पूरा दिल्ली सल्तनत काल चलता है। आपको मैं बता देता हूं कि 1192, 1193, 1191 ये ऐसा पीरियड है जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध लड़े जाते हैं, और बाद में 1206 में दिल्ली सल्तनत की 1206 में स्थापना होती है। ये जो आपका दिल्ली सल्तनत पीरियड शुरू हुआ, यहां से बड़े सारे प्रश्न पूछे गए, इस बार की ऑप्शनल की परीक्षा में आगे भी पूछे जाएंगे, और हमें बड़ा गर्व और उत्साहित महसूस करते हैं हम कि जब हम देखते हैं कि आप जैसे छात्र छात्राएं हमारे लेक्चर्स को अटेंड करके काफी प्रॉफिट उठा पाते हैं उन लेक्चर्स का, और हमें बड़ा अच्छा और मजा आता है जब हम जो पढ़ाते हैं वो परीक्षा में भी पूछा जाता है, तो मेहनत सफल होती दिखती है। तो मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली सल्तनत पीरियड जो रहा उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे फॉरमोस्ट क्वेश्चन जब आप दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हो, जब आप दिल्ली सल्तनत का पूरा स्ट्रक्चर देखते हो, तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम देखते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात की चर्चा करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण हमको पद देखने को मिलता है इस्लाम में, उस पद का नाम है खलीफा का पद। क्लियर है? ये खलीफा बगदाद में हुआ करते थे। इस प्रकार की कुछ व्यवस्था और सिस्टम चला करता था, जितने राजा होते थे, मतलब क्या होता था ये आप समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा मैं आपको फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो सरकार के प्रकार हैं, उनको समझाना जरूरी है, तभी आप इस बार की ऑप्शनल के परीक्षा के में जो आया था 2017 में जो प्रश्न आया था उसको आप तभी समझ पाएंगे। वो प्रश्न है
To what extent was the caliphate the source and sanction to the legal authority of sultans of Delhi? Khilafat ki seema tak Delhi ke sultano ke vivek pradhikar ka strot aur sanskriti rahi. To ye prashn humne pehle hi apne jo courses hai unme pehle hi humne solve karwa rakha tha aur ye pucha bhi gaya. Dosto, प्रश्न को समझने के लिए थोड़ा मैं आपको फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सरकार के प्रकार के समझाता हूं. सरकार किन किन प्रकार की हो सकती है. आज भारत में सरकार का क्या प्रकार है. भारत एक लोकतांत्रिक देश है. भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें क्या होता है, हम 125-30-35 करोड़ भारतीय अपने प्रतिनिधित्व को खुद चुनते हैं. अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनावी प्रक्रिया के द्वारा, इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा चुनते हैं. हम वोट देकर उनको चुनते हैं. भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है. तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में चुनावी प्रक्रिया के द्वारा हम अपनी सरकार को चुनते हैं. एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाता है डेमोक्रेसी. एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है कम्युनिज्म, साम्यवाद. अगर हम चीन की बात करें तो चाइना में कोई भी इलेक्शन प्रोसेस नहीं है. चाइना में चुनावी प्रक्रिया के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चुना जाता है. चाइना में एक पार्टी है जिसका नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. वो पार्टी ही ये तय करती है कि अगला हमारा प्रतिनिधित्वकर्ता, मतलब चीन का प्रतिनिधित्वकर्ता, जो चीन की पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्वकर्ता है वो चीन का प्रतिनिधित्वकर्ता है. मतलब वो पार्टी डिसाइड करती है. एक सरकार का प्रकार ये हो गया. एक रिपब्लिक हो गया, ऑथोरिटेरियन रजीम हो गई, टोटलिटेरियन रजीम हो गई. अलग अलग सरकार के प्रकार होते हैं. इसी प्रकार एक सरकार का प्रकार होता है थियोक्रेटिक नेशन, थियोक्रेसी. ये थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है और यहीं से पूरी आपको मिडाइवल हिस्ट्री की सोच और समझ बनेगी और आगे के टॉपिक्स क्लियर होंगे. अच्छे से समझो, इस पर हम अच्छा खासा समय व्यतीत करेंगे तो बिल्कुल निश्चिंत होके आराम से सुनिए. थियोक्रेसी का मतलब धर्मतंत्रांतरिक राज्य या धर्मतंत्र का मतलब क्या होता है. एक बात का ध्यान रखिएगा, गणतंत्र, लोकतंत्र, धर्मतंत्र, तंत्र मतलब व्यवस्थाएं, समझ रहे हैं आप. क्रेसी मतलब व्यवस्थाएं, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, थियोक्रेसी. क्रेसी मतलब सरकार की व्यवस्था, सरकार तंत्र, सरकार शासन प्रणाली. भारत में लोकतंत्र लोगों की शासन प्रणाली. धर्मतंत्र धर्म के आधार पर, मतलब थियोक्रेसी, थियो मतलब होता है गॉड, क्लियर है. एथीस्ट, ATHEIST, THEO, थियो ईश्वर को ना मानने वाला, मतलब थियो मतलब गॉड, भगवान. ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई भी एक व्यक्ति भगवान के नाम पे शासन करता है, ऐसी व्यवस्था को धर्मतंत्र या धर्म के नाम पे शासन करता है, ऐसी व्यवस्था को धर्मतंत्र, थियोक्रेसी बोला जाता है. देखिए, सबसे बेसिक प्रश्न जो उठता है वो क्या है. वो बेसिक प्रश्न ये है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, किसी भी सरकार को अपनी लेजिटिमिटी प्रूफ करना या वो लेजिटिमेट है ये बताना जरूरी है. किसी भी सरकार को अपनी वैधानिकता स्पष्ट करना जरूरी है. मान लीजिए हम भारत की बात करते हैं, भारत का पूरा ढांचा समझने की कोशिश करते हैं. भारत की जो सरकार है वो वैधानिक सरकार है क्योंकि हम लोगों ने भारत की सरकार को चुना है. कल को कोई दूसरा ग्रुप भारत में उठ के संगठन ये कहता है, आज से कोई भी एक पार्टी या कोई भी शासनकर्ता या कोई भी व्यक्ति, शासनकर्ता तो बोलना गलत होगा क्योंकि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, रूलर तो बोलना गलत होगा, तो कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी प्रतिनिधित्व या कोई भी हम बात करें पार्टी या कोई भी सरकार वैध नहीं है, मैं आपकी नई सरकार हूं. कोई भी एक संगठन उठ के कल को भारत में खड़ा होकर ऐसा बोल दे मैं सरकार हूं, उसकी लेजिटिमिटी तो हुई नहीं ना. बहुमत के द्वारा आपने किसको चुना है, वोट देके आपको किसने चुना, किसको चुना है, वही सरकार वैधानिक होगी. तो क्या होता है, धर्मतंत्र या जब कोई ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें वैधानिकता स्पष्ट नहीं होती है तो फिर आपको लेजिटिमिटी अलग अलग तरह से प्रूफ करना पड़ती है. जैसे जब हम इंग्लैंड के राजतंत्र या जो हम मोनार्की, मोनार्किज्म व्यवस्था है उसको देखने की कोशिश करते हैं, मोनार्की व्यवस्था को, तो
मोनार्की व्यवस्था में इंग्लैंड क्या बोलता है, डिवाइन रूल थ्योरी, या अधिकतर राजा क्या बोलते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के, डिवाइन रूल थ्योरी। बलवन ने खुद को जिल्ले इलाही की उपाधि दी, बलवन ने खुद को ईश्वर की परछाई बताया, बलवन ने ये कहा मेरे निर्णय की अवहेलना करना मतलब ईश्वर के निर्णय की अवहेलना करना है, बलवन ने ये कहा मेरी इज्जत करना मतलब ईश्वर की इज्जत करना है, बलवन ने ये कहा मैं ईश्वर के समान हूं, बलवन ने ये कहा कि मैं एक थियोक्रेटिक रूलर हूं, या बलवन एक थियोक्रेटिक रूलर थे, यह प्रश्न चर्चा का विषय है। तो कुल मिला के कोई भी एक व्यक्ति हो अगर वो रूल करता है तो उसको अपनी लेजिटिमिटी वैधानिकता प्रूव करना जरूरी है। थियोक्रेसी में वैधानिकता किस प्रकार आती है, धर्मतंत्र में वैधानिकता, भगवान के नाम पे शासन करो। आज कौन कौन से देशों में धर्मतंत्र व्यवस्था है इस पर आप जरूर रिसर्च करें कि आज भी क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं विश्व में जहां पे कोई भी एक व्यक्ति धर्म या भगवान के नाम पे शासन करता है, चुनावी प्रक्रिया नहीं है, देखने की कोशिश करें। तो ये क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत क्या एक धर्मतंत्र देश था, धर्मतंत्र राज्य था, या वो एक मिलिट्री स्टेट थी, सैन्य राज्य था, यह समझना जरूरी है क्योंकि यह प्रश्न आया भी है। जब हम दिल्ली सल्तनत, अब धर्मतंत्र की बात इसलिए आती है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि खलीफा से परमिशन लेके कोई भी व्यक्ति सुल्तान बनता था। जैसे यदि हम बात करें खलीफा से अनुमति लेके कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का सबसे पहले शासक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसकी मृत्यु चोगान खेलते समय हो गई थी, ऐबक का मतलब पतली पतली उंगलियां, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कुतुब मीनार का निर्माण भी किया, कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि दिल्ली सल्तनत पर जब विराजमान हुआ वो खलीफा से अनुमति लेके सुल्तान नहीं बना था या वो अनुमति नहीं ले पाया था, तो उसको थोड़ा सा किंग या किंगशिप पे उस प्रकार से मतलब इल्तुतमिश जो उसके बाद आए उसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक शासक, सबसे पहला शासक बोला जाता है। क्लियर है? उसने बहुत सारे अलग अलग कार्य भी किए, एकता प्रणाली इंट्रोड्यूस की, तुर्कान चहलगानी की स्थापना की, अलग अलग कारण रहे। तो खलीफा से परमिशन लेके ये लोग शासक या सुल्तान बन रहे हैं, इसलिए क्या ये थियोक्रेटिक देश है क्या, क्योंकि भगवान के नाम पे ही शासन चल रहा है, या ये एक मिलिट्री स्टेट है, ये प्रश्न समझना जरूरी है। एक और बार में उस प्रश्न को बताता हूं। टू वाट एक्सटेंड वाज द कैलिफेट द सोर्स एंड सैंक्शन टू द लीगल अथॉरिटी ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली। खिलाफत मतलब खलीफा का पद किस सीमा तक दिल्ली के सुल्तानों के या तो सैंक्शन करता था या उनकी पावर का सोर्स था। दिल्ली सल्तनत के पीरियड की जब भी हम बात करते हैं, खलीफा किस अमाउंट तक किसी भी व्यक्ति, किसी भी राजा पे नियंत्रण, कंट्रोल अपना स्थापित कर पाया, यह डिपेंड करता था कि वो राजा कितना योग्य है। कई सारे दिल्ली सल्तनत में ऐसे राजा आए जिन्होंने धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा। कई सारे ऐसे शासक आए जिन्होंने खलीफा उलेमास, उलेमास मतलब जो प्रीस्ट है, मुस्लिम प्रीस्ट है, उनको उलेमास बोला गया। तो ये तीन चार जो आपको वोकैबुलरीज हैं ये क्लियर होना चाहिए। खलीफा का पद, उलेमास का वर्ग, उलेमास का जो पद है वो भी रिलीजियस हो गया, अमीर वर्ग भी हुआ करता था, एक अमीर वर्ग मतलब जो मिडिल क्लास है, रिच मिडिल क्लास है, वो भी हुआ करता था। तो उलेमास और खलीफा का इंटरफेरेंस जितना ज्यादा होगा, इनका हस्तक्षेप जितना ज्यादा होगा, उतनी दिल्ली सल्तनत थियोक्रेटिक होगी, और जितना इनका कम हस्तक्षेप होगा उतनी दिल्ली सल्तनत कम आपको देखने को मिलेगी, मतलब थियोक्रेटिक कम देखने को मिलेगी। जब हम दिल्ली सल्तनत की स्पेसिफिकली बात करते हैं कि एक थियोक्रेटिक नेशन था क्या, हम आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि आपको ये पॉइंट समझना होगा कि दिल्ली सल्तनत को पूरी तरीके से थियोक्रेटिक बोलना इसलिए गलत होगा क्योंकि ये केवल उस शासक के ऊपर डिपेंड करता था कि कितना जो बाहरी तत्व है वो डोमिनेंट कर पाएंगे। आप सभी समझते हो जब भी कोई श्रेष्ठ राजा आया बाहरी तत्व एक्टिव थोड़ी ना रहेंगे, वो सब तो अपनी सोवरेनिटी सरेंडर कर देंगे। अलाउद्दीन खिलजी बलवन ने
कभी भी बाहरी तत्व को डोमिनेट ही नहीं होने दिया, उलेमास को डोमिनेट ही नहीं होने दिया, और मोहम्मद बिन तुगलक से तो बड़े नाराज थे उलेमा वर्ग, क्योंकि वो उनको आने ही नहीं देता था वहां पे। थोड़ी मोहम्मद बिन तुगलक ने सेकुलर पॉलिसी का इस्तेमाल किया, धर्मनिरपेक्ष राजनीति का इस्तेमाल किया, उलेमा इससे बड़े नाराज थे। बाद में जब फिरोजशाह तुगलक आते हैं वो उतने योग्य नहीं होते हैं तो ज्यादा इंटरवीन कर पाते हैं कौन, उलेमा वर्ग। तो यहां पर थोड़ा सा धर्मतंत्र कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो ये राजा की पूरी योग्यता पे डिपेंड करता है कि कितने बाहरी तत्व एक्टिव हुए और कितने रूप में भारत में दिल्ली सल्तनत को थियोक्रेटिक बोला जाना चाहिए या नहीं। अब हम थोड़ा सा सैन्य शासन था क्या दिल्ली सल्तनत में, इसमें जानने को कोशिश करते हैं। सैन्य शासन की जब हम बात करते हैं, मिलिट्री पीरियड की जब हम बात करते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक अपनी सल्तनत की स्थापना, अपने शासन पद की स्थापना कर पाए, वो मिलिट्री सेना की हेल्प से भी कर पाए। तो कई जगह हमको ऐसा भी देखने को मिलता है कि दिल्ली सल्तनत सैन्य शासक रहा, दिल्ली सल्तनत कुछ हद तक थियोक्रेटिक भी रहा। पूरा थियोक्रेटिक था ऐसा बोलना थोड़ा सा जस्टिफाई या सही नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, टू व्हाट एक्सटेंड द कैलिफेट द सोर्स एंड सैंक्शन टू द लीगल अथॉरिटी ऑफ द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सुल्तान को किस हद तक पावर मिलती थी खलीफा से, या पावर मिलती थी भी या नहीं, ये डिपेंड काय पे करता था, योग्यता पे। अलग अलग राजाओं के एग्जाम्पल लिख के आपको बताने हैं, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना या दिल्ली सल्तनत का कैरेक्टर क्या था, इससे जुड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है। दिल्ली सल्तनत में तो अभी तक हमने दो तीन प्रश्न इंपोर्टेंट देख लिए, दो तीन टॉपिक इंपोर्टेंट देख लिए। पहला जो हमने टॉपिक इंपोर्टेंट देखा वो क्या था, अरब इन्वेजन इन इंडिया, सेकंड तुर्किश इन्वेजन इन इंडिया, थर्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। अगला जो फोर्थ है, दिल्ली सल्तनत से बड़ा एक फेवरेट टाइप का हमको टॉपिक निकलते हुए दिखता है, थ्योरी ऑफ किंगशिप समझना आपको बड़ा जरूरी है, मतलब राजत्व का सिद्धांत आपको समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि दिल्ली सल्तनत में ये जो राजत्व का सिद्धांत है, आपकी परीक्षा में वाजिब सी बात है, आप देखोगे एक दो साल में जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे कि थ्योरी ऑफ किंगशिप जो अलग अलग राजाओं की रही, ये अच्छे से टॉपिक तैयार कर लेना। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ किंगशिप है, हालांकि हमने अपने पूरे जो कोर्सेस है हमारे, जो हमने एक एक टॉपिक के ऊपर चर्चा की है, अलग अलग सब डायनेस्टीज की चर्चा की है, उसमें हमने भरपूर प्रश्नों को सॉल्व करवाया है। पूरे मिडाइवल हिस्ट्री के सेक्शन में लगभग हमने 100 से ऊपर मेंस और ऑप्शनल के क्वेश्चंस पे चर्चा की है। लेकिन यदि आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हो तो आप थ्योरी ऑफ किंगशिप में बलबन की थ्योरी ऑफ किंगशिप, अलाउद्दीन खिलजी की थ्योरी ऑफ किंगशिप और विजयनगर साम्राज्य के महानतम राजा कृष्णदेवराय की थ्योरी ऑफ किंगशिप के बारे में अच्छे से पढ़ लें। इस बार आपकी परीक्षा में थ्योरी ऑफ किंगशिप से जुड़ा ही उसी प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था, जिसका नाम था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ऑफ बलबन, यूपीएससी की 2017 की ऑप्शनल परीक्षा में यह प्रश्न आया था। एक्सप्लेन द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ऑफ बलबन, बलबन की रक्त और लोह नीति के बारे में चर्चा कीजिए। तो आइए दोस्तों, हम इन तीनों शासकों की थ्योरी ऑफ किंगशिप को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यदि हम बलबन की थ्योरी ऑफ किंगशिप जानने की कोशिश करें, उससे पहले मैं आपको पूरे मध्यकालीन इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बता देता हूं, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी अपनी पूरी समझ को विकसित करने में, अपने लाइफ में भी अपने सक्सेसफुल करियर को स्थापित करने की। ये एक महत्वपूर्ण सुझाव मैं आप सभी को देना चाहूंगा। दोस्तों, आप दिल्ली सल्तनत के पीरियड में देखो, पूरी हिस्ट्री में देखो, या किसी आप महान व्यक्ति को देखो, या आप किसी भी सफल व्यक्ति को देखो, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर कहीं पे स्थापित होता है। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज का कंसेप्ट यह है कि जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उतने बड़े चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चैलेंजेस। जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उतना बड़ा चैलेंज, यूपीएससी की परीक्षा आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चैलेंज उतना बड़ा है।
जितनी छोटी अपॉर्चुनिटी उतने छोटे चैलेंज। तो ये आपको डिसाइड करना है कि यदि चैलेंज आपको बड़ा लेना है, अपॉर्चुनिटी बड़ी है तो चैलेंज भी बड़ा आएगा। तैयार रहो, आगे बढ़ते चलो, खूब पढ़ो। तो विजयनगर साम्राज्य के शासनकर्ता कृष्णदेवराय हों, ये जितने भी शासक रहे, महान शासक रहे, इतिहास के हिसाब से जो महान शासक रहे, कृष्णदेवराय तो थे भी, तो ये जितने भी शासक हैं इनके समक्ष बहुत सारे चैलेंजेस थे। चूंकि ये इन सभी चैलेंजेस को पार कर पाए सक्सेसफुली, इसलिए इनको महान का दर्जा दिया जाता है। यदि कोई भी राजा जिसके सामने अपॉर्चुनिटी भरपूर है, चैलेंज ही पार नहीं किए, उसको महान कैसे बोल पाओगे? हर एक राजा के समकक्ष कोई ना कोई चैलेंज था, और जितने बड़े चैलेंजेस को जितना सक्सेसफुली वो पार करते हैं, उतने ही महान वो राजा रहे। ये पूरी हिस्ट्री अब समझो कैसे। बलवन के समकक्ष जो सबसे, इतिहासकारों के द्वारा बलवन की आलोचना की जाती है, इतिहासकारों के द्वारा जो बलवन की आलोचना की जाती है कि बलवन को वो उतना ग्रेट नहीं समझते हैं, महान नहीं समझते हैं, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि इतिहासकार बलवन को उतना महान शासक नहीं मानते हैं, स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन व्हाई बलवन इज नॉट कंसिडर्ड एज ए ग्रेट रूलर एम्परर बाय द हिस्टोरियंस। तो बलवन के समकक्ष या बलवन के समय हम देखने की कोशिश करते हैं, जब बलवन के समय दिल्ली सल्तनत पीरियड में शुरुआत थी। मैं आपको बताता हूं, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन का पीरियड चलता है दिल्ली सल्तनत में। एक शासक आता है, दूसरा शासक जाता है, क्योंकि बाहरी तत्व ज्यादा डोमिनेट होने लगे, क्योंकि अयोग्य शासक आए। रजिया सुल्ताना से लेके बलवन के बीच में 20-25 साल के गैप में कोई महान शासक दिल्ली सल्तनत पर नहीं बैठा। तो बाहर के फैक्टर्स जो थे, उलेमा वर्ग हुआ, अमीर वर्ग हुआ, ये षड्यंत्र थे। तुर्कान चेलगानी जो कि अमीर वर्ग का एक समूह था, मिडिल क्लास, रिच मिडिल क्लास का एक समूह था, ये डोमिनेट होने लगे, जिसको चाहते थे राजा बनाते थे, हटा देते थे। तो बलवन के समकक्ष काफी सारी चुनौतियां थी कि वो एक अच्छे साम्राज्य का निर्माण कर पाए। और दिल्ली सल्तनत अभी अपनी फ्लेजलिंग नवजात स्टेट में है, क्योंकि उतना ज्यादा विस्तार नहीं हुआ है और उतना ज्यादा कंसोलिडेशन, एकत्रीकरण नहीं हुआ है, ये चैलेंज था। तो दोस्तों, इतिहास में आपको दो चीजें समझना जरूरी है, साम्राज्य का कंसोलिडेशन, एकत्रीकरण, और साम्राज्य का एक्सटेंशन, विस्तारीकरण। एकत्रीकरण, विस्तारीकरण मतलब क्या है? पूरा का पूरा साम्राज्य को जोड़ना और फिर उसका विस्तार करना। बलवन को इतिहासकारों के द्वारा इतना महान शासक इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि बलवन ने दिल्ली सल्तनत का एम्पायर एक्सटेंशन उतना ज्यादा नहीं किया जितना अलालुद्दीन खिलजी ने किया। लेकिन दोस्तों, अलालुद्दीन खिलजी जिस भी प्लेटफॉर्म पे टेक ऑफ कर पाए, वो टेक ऑफ प्लेटफॉर्म का निर्माण बलवन ने करके उसको दिया। जब तक नींव ही मजबूत नहीं होगी, तब तक एक मजबूत निवारण का निर्माण कैसे हो पाएगा? तो वो नींव बनाई बलवन ने, टेक ऑफ किया अलालुद्दीन खिलजी ने। अधिकतर बार इतिहास में हमको देखने को मिलता है कि कंसोलिडेशन एक व्यक्ति करता है, एक्सटेंशन दूसरा व्यक्ति मिलता है। कृष्णदेवराय ने तो एक्सटेंशन और कंसोलिडेशन, एकत्रीकरण और विस्तारीकरण एक ही व्यक्ति ने किया। दिल्ली सल्तनत में ऐसा नहीं हुआ। एकत्रीकरण करने का श्रेय बलवन को जाता है, विस्तारीकरण करने का श्रेय, अपने साम्राज्य को बढ़ाने का श्रेय अलालुद्दीन खिलजी को जाता है। तो बलवन जब गद्दी पे आया तो उसके समकक्ष चैलेंजेस थे, क्या थे? फ्लेजलिंग स्टेट में दिल्ली सल्तनत, तो सबसे पहले एकत्रीकरण करो। इसलिए मंगोल्स का थ्रेट, भारत में पूरा एक चैप्टर हमने कवर किया इस पे कि किस प्रकार से मंगोल आक्रमणकारी भारत की दिल्ली सल्तनत के समकक्ष एक चैलेंज बन के रहे। दिल्ली सल्तनत के समकक्ष, वो तो मैं आपको बताता हूं, 1290 तक, 1296 तक, लगभग 1296 तक जितने भी मंगोल आक्रमणकारी भारत में आक्रमण करते हैं, उसमें से एक भी आक्रमण में मंगोल जीते भी से कुछ आक्रमण में, एक भी आक्रमण में लगभग मंगोल्स की यह विचार नहीं था कि उनको भारत पर शासन करना है। मंगोल इस प्रकार के आक्रमणकारी इन्वेडर्स थे,
वो इन्वेड करते थे, लूटते थे और वापस चले जाते थे। यदि मंगोल्स की ऐसी विचारधारा होती, लूटो और यही शासन करो, तो आज भारत का इतिहास हमको कुछ और ही देखने को मिलता। बाद में जाके उनकी थ्योरी चेंज हुई, फिर वो भारत पर रूल करना चाहते थे, फिर बाद में जाके दोबारा चेंज हो गई, रूल नहीं करना चाहते थे, लूट करना चाहते थे। सो हैड द मंगोल्स फिक्स्ड देयर माइंड दैट दे वुड रूल इंडिया अलोंग विद प्लंडरिंग इट, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट, भारत के इतिहास कुछ और होता। तो भारत के समकक्ष, बलवन के समकक्ष चैलेंजेस बहुत सारे हैं। कंसोलिडेशन करना, ओलेमास ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, बाहरी तत्व डोमिनेट हो रहे हैं, इसके साथ साथ मंगोल आक्रमण का भय बना हुआ है। 1245 में बलवन जब सुल्तान नहीं बनाता, 1266 में बना, 1245 में पहली वो झड़प हो चुकी है उसकी मंगोल से, तो मंगोल कितना बड़ा खतरा है वो जानता था, इसलिए पूरे नॉर्थ वेस्ट में उसने किले बनवाना शुरू किए। और ये किले अलाउद्दीन खिलजी के भी काम आते हैं, फोर्ट्स पूरे, कि वो मंगोल आक्रमणकारियों को शांत कर पाता है। बहुत बार मंगोल आक्रमणकारी, सबसे ज्यादा बार आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये हो सकता है कि किस शासक के काल में मंगोल आक्रमणकारी सबसे ज्यादा बार आक्रमण करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण होते हैं। तो इस प्रकार से बलवन ने, यहां पे आपको अगर ये प्रश्न पूछा गया हिस्टोरियंस क्यों आलोचना करते हैं, तो आपको इस प्रकार लिखना होगा, उसको थोड़ा बैलेंस करना होगा उसको। बलवन की थ्योरी ऑफ किंगशिप अब हम समझने की कोशिश करते हैं। बलवन की थ्योरी ऑफ किंगशिप में आपको ये जानने को मिलेगा कि बलवन, देखिए मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी लेजिटिमिटी, किसी भी शासक को अपनी वैधानिकता स्पष्ट करना जरूरी है। मान लो दिल्ली सल्तनत पीरियड में बलवन का दरबार भरा हुआ है, एक कोई सैनिक उठ के खड़ा होकर बोलता है, मैं आपकी आज्ञा का पालन क्यों करूं, अरे भाई मैं तो राजा हूं, आपको करना पड़ेगा, राजा की बात का पालन क्यों करना पड़ेगा, यह आप मुझे समझाओ। तो आपको अपनी ही पूरी की पूरी शासन का वैधानिकता को, लेजिटिमिटी को तो प्रूफ करना होगा। डेमोक्रेसी में तो पहले से ही प्रूफ है, जनता ने वोट दिए, थियोक्रेसी में, ऑटोक्रेसी में थोड़े ना प्रूफ है, नहीं। इसीलिए डेमोक्रेसी इज इवॉल्व्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, क्लियर है। लोकतंत्र सभी के द्वारा सभी मान सर्वमान एक व्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। तो बलवन ने खुद को एक स्ट्रॉन्ग लीडर पोर्ट्रे करने के लिए, जो कंफ्यूजन का पीरियड चला रजिया सुल्ताना से बलवन के बीच में, तो बलवन ने काफी सारे कठोर नियमों का स्थापन किया। और उसकी थ्योरी ऑफ किंगशिप बड़ी अलग थी। उसकी थ्योरी ऑफ किंगशिप का मतलब था कि श्रेष्ठ व्यक्ति शासन करता है, श्रेष्ठ व्यक्ति ही शासन कर सकता है, राजा के द्वारा मुझे चुना गया है आपका शासनकर्ता करने के लिए। मतलब थोड़ा इसमें हमको डेस्पोटिक रूलर दिख रहा है, डेस्पोटिक मतलब तानाशाही और निरंकुश रूलर दिख रहा है। सिजदा और पेबोस की प्रथा बलवन ने चलाई। सिजदा और पेबोस की प्रथा क्या है? सिजदा और पेबोस की प्रथा का मतलब यह है कि जब भी कोई भी व्यक्ति आएगा, घुटने में चल के आएगा बलवन के सामने, और बलवन के सामने घुटनों पे चलते आते हुए वो बलवन के कदमों को चूमेगा। तो इस प्रकार की थ्योरी ऑफ किंगशिप थी, मतलब बड़ी निरंकुश थी, सेंट्रलाइज्ड डेस्पोटिक स्टेट। अलाउद्दीन खिलजी की थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिलती है। अलाउद्दीन की खिलजी की थ्योरी ऑफ किंगशिप हमको अलग देखने को मिलती है। इसके बहुत सारे कारण रहे, डिटेल में कभी और चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जिससे आपके जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो ये है कि एक्सप्लेन द डेक्कन पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की डेक्कन पॉलिसी किस प्रकार की रही, अलाउद्दीन खिलजी की मुगल मंगोल पॉलिसी किस प्रकार की रही। मैं आपको दो मिनट का समय लेके अलाउद्दीन खिलजी की डेक्कन पॉलिसी को समझा देता हूं। अब एक मजबूत शासन की, मजबूत साम्राज्य की स्थापना, एकत्रीकरण किसने कर दिया? बलवन। अब टेक ऑफ कौन करेगा, विस्तारीकरण कौन करेगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अनेकों अनेक क्षेत्रों पर आक्रमण किया, अनेकों अनेक क्षेत्रों पर उसने अपनी पहुंच स्थापित करने की कोशिश की। उसने दक्षिण भारत में, मध्यकालीन इतिहास में दक्षिण भारत में सबसे सफल आक्रमण करने का, सबसे पहला सफल आक्रमण करने का श्रेय किसको जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। बाकी सारे राजाओं ने ऊपर ही ऊपर कंसंट्रेट किया, क्योंकि अभी तो फ्लेजलिंग स्टेट है, जब एकत्रीकरण हो गया फिर क्या होना है, विस्तारीकरण। तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी डेक्कन पॉलिसी में साउथ इंडिया में डायरेक्ट रूल ना करते हुए इनडायरेक्ट रूल करने की कोशिश की। मतलब क्या है? इन सभी साउथ के राजा को कन्विंस किया, आप मेरी
मतलब आप मेरे अंडर में रूल करो, आप अपनी सॉवरेनिटी संप्रभुता को मुझे सरेंडर कर दो, मैं बड़ा किंग हूं, आप छोटे छोटे किंग हो गए और मेरे अंडर में काम करो, मुझे पैसा भेजो रेगुलरली। डेक्कन पॉलिसी में अलाउद्दीन खिलजी ने डायरेक्ट रूल ना करते हुए इनडायरेक्ट रूल करा, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। ये मूर्खता रही मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसने डेक्कन पॉलिसी के अंतर्गत डेक्कन में डायरेक्ट रूल करना चाहा। मैं आपको बता देता हूं, डेक्कन रूल यदि कोई भी व्यक्ति नॉर्थ से करता है, बहुत कम भारत के इतिहास में ऐसे शासक हुए, बहुत कम भारत के उत्तर भारत के इतिहास में ऐसे शासक हुए नॉर्थ इंडिया में, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया को कैप्चर करके साउथ इंडिया में भी सक्सेसफुल हो गए, सफल हो गए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने नॉर्थ इंडिया अच्छे से कैप्चर करा, फिर साउथ के इन्वेजन में भी सक्सेसफुल हो गए, ऐसा व्यक्ति हमेशा चर्चा का विषय जरूर रहेगा। क्योंकि अनेकों अनेक व्यक्ति फेल हुए, मोहम्मद बिन तुगलक फेल हुआ, औरंगजेब फेल हुआ, अनेकों अनेक व्यक्ति फेल होने को दिखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या डेक्कन पॉलिसी अपनाई जो मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं अपनाई? मोहम्मद बिन तुगलक डायरेक्ट शासन करना चाहता था, वो सारे किंग्स को हटा के डायरेक्ट नियंत्रण लेना चाहता था। अब साउथ में और नॉर्थ में बड़ी ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, बड़ी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, बहुत सारी भौगोलिक विविधता है और बहुत सारी भौगोलिक दूरी है, अनेकों अनेक कारण है, बहुत सारी चीजें चेंज है, इसलिए डायरेक्ट रूल करने का आइडिया अलाउद्दीन खिलजी ड्रॉप करते हैं। और ये अदूरदर्शिता रही मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके कारण वो फेल हुए। तो ये डेक्कन पॉलिसी अगला टॉपिक आपका महत्वपूर्ण रहेगा, जो आपको पढ़ना चाहिए। अगला टॉपिक तुगलक वंश से हमको देखने को मिलता है, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ये भी एक प्रश्न आया था मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़ा, जो हम अपने लेक्चर्स में पहले ही कवर कर चुके हैं। बताता हूं क्या प्रश्न पूछा गया था। Do you agree that the schemes of Muhammad bin Tughlaq were correctly conceived, badly executed, and disastrously abandoned? Discuss. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं भली भांति संकल्पित, निष्कर्षतः कार्यान्वित और विनाशपूर्णतः? इस पे चर्चा कीजिए। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसी तो सही थी, एग्जीक्यूशन गलत हुआ, रिजल्ट ने कबाड़ा कर दिया। समझ में आ रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां तो सही थी, लागू करने का तरीका गलत था, जिसके कारण डिजास्टर विनाश हुआ। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, आइए इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक प्रश्न मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आने वाले समय में ऐसा भी पूछा जाएगा और पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है, कि मोहम्मद बिन तुगलक इस प्रकार के शासक थे क्या कि उनकी योजनाएं बड़ी दूरदर्शिता रखती थीं और उनकी योजनाएं और वो खुद एज ए पर्सनैलिटी आम लोगों की समझ से परे थे। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की जितनी योजनाएं थी वो अच्छी थी, लेकिन वो आम लोगों की बुद्धि से अलग थी, इसलिए इतिहासकार उन्हें मूर्ख कहते हैं, अनेकों अनेक इतिहासकारों ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में थोड़ा सा हमको किस्मत का भी फैक्टर देखने को मिल जाता है। वो जितनी भी योजनाएं लागू करते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है। वो दोआब क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, मतलब फर्टाइल क्षेत्र, नदी है तो फर्टाइल होगा, उपजाऊ होगा, तो वहां पे खेती ज्यादा होगी। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, दोआब क्षेत्र में टैक्स बढ़ा देते हैं, उसी समय वहां पे बाढ़ आ जाती है, अकाल पड़ जाते हैं, इसलिए ये योजना फेल। करेंसी स्थापित करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, करेंसी छपवाना शुरू करते हैं, वो करेंसी नकली छपना शुरू हो जाती है, अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है, ये योजना फेल। दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, वहां से वो राजधानी ट्रांसफर करके दौलताबाद ले आते हैं, फिर वापस वहां चले जाते हैं, पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल रहे, ये योजना फेल। अनेकों अनेक इस्तेमाल की गई उनके द्वारा पॉलिसीज, जिसके कारण उनको एक फेलियर का दर्जा दिया गया। उनकी जो पॉलिसीज थी, क्या वो दूरदर्शिता थी या वो आम लोगों की सोच से परे थी, उनकी पॉलिसीज फेल हुई, बैडली एग्जीक्यूटेड हुई, ये आप थोड़ा सा रिसर्च करना, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सेक्युलर पॉलिसी थोड़ी सी हमको देखने को मिलती है, उन्होंने थोड़ा सा धर्मनिरपेक्ष पॉलिसी रही, अपने क्षेत्र में, अपने साम्राज्य में अलग अलग सांप्रदाय के लोगों को थोड़ा सा प्रशासन के दृष्टिकोण, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में लाने की कोशिश की। उलेमास जो थे, अमीर वर्ग जो था, अब ये थोड़े से नीचे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? राजा
ने सेक्युलर पॉलिसी रखी, धर्म और पॉलिटिक्स अलग, रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग, धर्म और राजनीति अलग। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस प्रकार की योजना रखी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जब इस प्रकार की योजना रखी तो उलेमाज बड़े नाराज थे, उनकी पावर एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रही। इसलिए फिरोज शाह तुगलक को बहुत सारी चीज विरासत में मिली। लोगों का गुस्सा क्योंकि पॉलिसीज मोहम्मद बिन तुगलक की फेल हुई, उलेमास का गुस्सा मोहम्मद बिन तुगलक ने आगे नहीं बढ़ने दिया। तो चैलेंजेस फिरोज शाह तुगलक के समकक्ष बहुत थे। फिरोज शाह तुगलक ने इनको उतने बड़े लेवल पे हैंडल नहीं किया क्योंकि इन्होंने सबको डोमिनेट होने दिया। इन्होंने किसको डोमिनेट होने दिया? इन्होंने उलेमास को डोमिनेट होने दिया, अमीर वर्ग को डोमिनेट होने दिया। इनके काल में जो बाहरी तत्व थे वो बड़े एक्टिव हो गए। तो धर्मतांत्रिक तंतांत्रिक थियोक्रेटिक कैरेक्टर हमको देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से यहां पे आपको थियोक्रेटिक जो रूल है, धर्मतंत्र रूल है, वो देखने को मिल सकता है फिरोज शाह तुगलक के काल में। इन्होंने काफी सारी थोड़ी वेलफेयर स्कीम भी चलाई। अब एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है आपसे, क्या कि दिल्ली सल्तनत के शासककर्ता फिरोज शाह तुगलक ने जितनी वेलफेयर कल्याणकारी नीतियों का इस्तेमाल किया वो साम्राज्य को समृद्ध बनाने के लिए किया, या मोहम्मद बिन तुगलक ने जो उनको विरासत में स्ट्रेस दिया था उस स्ट्रेस से बचने के लिए? यह प्रश्न बड़ा गंभीर प्रश्न है, इसके ऊपर आप जरूर रिसर्च करें, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। तो दोस्तों, हमारे मेडाइवल हिस्ट्री के इतिहास में अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में चर्चा की जिनके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है? अरब इन्वेजन इन इंडिया, फॉरेन ट्रेवलर्स का अकाउंट, तुर्किश इन्वेजन, थ्योरी ऑफ किंगशिप, थियोक्रेटिक नेशन और मिलिट्री स्टेट, इन सारी बातों पे हमने चर्चा की। अलालुद्दीन खिलजी की डेकन पॉलिसी, मैं आपको दिल्ली सल्तनत के पतन से जुड़े जो कोलैप्स है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत का कोलैप्स, इससे जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझा देता हूं। फिर अगले लेक्चर में हम मुगल्स के बारे में और अगले लेक्चर में हम किंग विजयनगर साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो दिल्ली सल्तनत के विघटन या कोलैप्स के कारण रहे, अनेकों अनेक इतिहासकार का ऐसा कहना है कि दिल्ली सल्तनत के विघटन के कारण, ध्यान से सुनिएगा, लिख भी लेना इसको, दिल्ली सल्तनत के विघटन के कारण तो दरअसल उसकी नींव में ही मौजूद थे। मतलब यह है, दिल्ली सल्तनत जिन जिन कारणों के चलते कोलैप्स हुआ वो तो उसमें शुरुआत से ही निहित थे। मतलब दिल्ली सल्तनत की बर्थ से ही विघटन तत्व एक्टिव थे, तो दिल्ली सल्तनत का कोलैप्स तो होना ही था। मतलब यह है, उलेमाज वर्ग दिल्ली सल्तनत का हाईली सेंट्रलिक डेस्पोटिक स्टेट होना, मिलिट्री स्टेट होना, बाहरी तत्व होना, ये इसके कोलैप्स के कारण रहे। आइए चर्चा करते हैं क्यों। बाद में जाके उलेमा अमीर वर्ग डोमिनेट होने लगे, राजा उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, राजा के खिलाफ ये षड्यंत्र रखते थे, दिल्ली सल्तनत का पहला कोलैप्स होने का कारण। दिल्ली सल्तनत एक हाईली सेंट्रलाइज डेस्पोटिक स्टेट, निरंकुश शासक हुआ करते थे और मिलिट्री स्टेट थी। मिलिट्री स्टेट से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण चीज सुन लो, जब भी आप बोलते हो कि कोई भी राज्य बड़ा सेंट्रलाइज्ड डेस्पोटिक स्टेट है और मिलिट्री स्टेट है, जब भी आप ऐसा बोलते हो, कोई भी एक देश या कोई भी एक शासन, कोई भी एक शासक, कोई भी एक साम्राज्य सेंट्रलाइज्ड डेस्पोटिक स्टेट है, केंद्रीकृत निरंकुश स्टेट है, मिलिट्री का स्टेट है, इसमें जन भागीदारी की बात कहां गई? फिर इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन कहां गया? और एक साम्राज्य में राजा एक होता है, जनता हजार होती है। तो जब तक जन साधारण का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, इसलिए तो 1892 के काउंसिल एक्ट में भारत ने अंग्रेजों से यो बोला, नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन, जो कि अमेरिकन रेवोल्यूशन में बोला गया था, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं। गांधी जी ने यही तो करा, कांग्रेस की राजनीति जो शिथिलता में चल रही थी, जो वैक्यूम की स्थिति में चल रही थी, जनसाधारण की एंट्री करवा के शिथिलता को खत्म किया, एक्टिव माहौल लिया है कांग्रेस में, पूरी की पूरी, यही तो पूरी हमको देखने को मिलता है मॉडर्न हिस्ट्री में, जनता का इन्वॉल्वमेंट ही तो होगा किसी भी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसमें। दिल्ली सल्तनत सेंट्रलाइज्ड डेस्पोटिक स्टेट थी, जनता का शासन में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, तो ये उसके कोलैप्स के कारण रहे।
आप इन टॉपिक्स को सभी को अच्छे से पढ़ें, इसी प्रकार से आप तैयारी करें। एक्चुअल पढ़ाई का फॉर्मेट ये होता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, क्या क्या पूछे जा सकते हैं, ये सभी बातों की हमने चर्चा की। इनको आप अच्छे से नोट करके टॉपिक्स को एक रणनीति बनाते चलें और इसी रूप में अनुरूप में तैयारी करते चलें। वी विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द टीम अनुजगर कोचिंग। जय हिंद।